हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो एलजी का फ्रिज है और हम यहाँ कस्टमर के यहाँ आए थे और वीडियो बना रहे हैं दोस्तों उनसे परमिशन लेके। तो दोस्त देख सकते हो दोस्तों, ये एलजी का फ्रिज है और हम इसमें लीकेज चेक करेंगे दोस्तों, किस किस प्रकार हम लीकेज चेक कर सकते हैं और हम देख कर भी पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ से लीकेज है दोस्तों। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे और साथ ही किस प्रकार लीकेज चेक करते हैं वो भी तरीका बताएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका, कम से कम टाइम में कैसे लीकेज ढूंढे दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, ये एलजी का फ्रिज है और साथ ही इसका कंप्रेसर है। आप देख सकते हो इसके जॉइंट दोस्तों, ये जॉइंट है, इन पे ऑयल आ रहा है, ऑयल आ रहा है। तो दोस्तों ये ऑयल आ रहा है तो समझ लेना यहाँ से लीकेज है, थोड़ा नहीं तो थोड़ा बहुत तो दोस्तों यहाँ से लीकेज ज़रूर है। देख सकते हो किस प्रकार हमारा ऑयल आ रहा है दोस्तों। जो जॉइंट है इन्हें भी हमें दोबारा से फ्रेश करके लगा लेने हैं और आपको अब एक नया तरीका आपको लीकेज चेक करने का बताऊंगा दोस्तों। हमें जो ये फिल्टर के आगे जो हमारी कैपलरी है जो फ्रीजर के उसमें जा रही है दोस्तों, हमें इसे पंच कर लेना है। देख सकते हो दोस्तों, ये कैपलरी हमने पंच कर दी है और पंच करने के बाद दोस्तों फ्रिज चला लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा फ्रिज का कंडेंसर है इससे जो हमारा पूरा चेक हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमने फ्रिज चला दिया है, फ्रिज चला के इसमें प्रेशर भरने के बाद जहाँ जहाँ से लीकेज है उसका पता चल जाएगा और हम साबुन लेके और उसकी लीकेज चेक भी कर सकते हैं झाग बनाकर दोस्तों। आपको पता होगा ये वाला तरीका, साबुन लगा के झाग से चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ से पंच कर दिया है, इसमें प्रेशर डल रहा है। अब धीरे धीरे इसमें प्रेशर भरने के बाद हमें इस फ्रिज की लीकेज का पता चल जाएगा दोस्तों। प्रेशर भरने के बाद अब देखना दोस्तों किस प्रकार हमें पता चलेगा कि ये लीकेज कहाँ से है दोस्तों। गैस भरने से पहले हम देखते हैं कि लीकेज कहाँ से था। अब देखना दोस्तों, ये हमारा फिल्टर पे से लीकेज है, किस प्रकार हवा आ रही है यहाँ पे फिल्टर पे से। देख सकते हो दोस्तों, हमने कैपलरी आगे से पंच कर दी थी और फ्रिज को स्टार्ट कर दिया था और जो हमारा सक्शन पाइप है इसको खोल दिया था वापसी का। देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार हवा आ रही है, ये हमारा फिल्टर भी टांका लीक था दोस्तों। हमारा कंडेंसर सही है दोस्तों, हमने चेक कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फिल्टर का टाका और जहाँ से ऑयल आ रहा है वहाँ से लीक था दोस्तों। इसे ठीक करने के बाद हमारा फ्रिज ओके चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गैस डाल सकते हो।